गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल हारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। भरत जी जब चलते थे तो ये देख के चलते थे कि कहीं कोई चींटी पैरों के तले ना आ जाए, पैरों के नीचे ना आ जाए, कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। और जाने अनजाने में जो अपराध होता है उसकी सजा आदमी को मिलती है, और उसकी मुक्ति का उपाय है दशांश का दान। तो भरत जी पालकी लेकर के चल रहे थे, देखा नीचे चींटियों की लंबी लाइन जब आई तो भरत जी पालकी बस ऐसे कूद करके चले गए। पालकी में राजा रघुगढ़ बैठा था जिसका सर पालकी से लड़ गया। पुनः आगे गए, कभी कोई जीव नीचे दिखाई दे तो कूद जाए, जितनी बार कूदे उतनी बार राजा रघुगढ़ का सर पालकी से लड़े। क्रोधित होकर के राजा ने पालकी रुकवाई और नीचे उतरा। राजा ने कहा, ये कौन है? मैं तब से देख रहा हूं मेरा सर बार बार पालकी से लड़ा जा रहा है, तुम लोग को पालकी चलाने नहीं आता? तीनों ने हाथ जोड़ के कहे, राजा साहब आप तो जानते हैं, हम तो पुराने सेवक हैं, हमसे त्रुटि नहीं हो सकती, ये जो नया सेवक आया है ना ये त्रुटि कर रहा है। राजा रघुगढ़ ने भरत जी को फटकार लगा दी। भरत जी पे क्रोध करने लगे, भरत सोचने लगे, विचार करने लगे, ये राजा रघुगढ़ जा रहा है कपिल मुनि के पास उपदेश लेने के लिए, ये ऐसे जाएगा तो क्या दीक्षा लेगा, इतना अहंकार लेकर के। जीवन में पूरे जीवन काल में पहली बार भरत जी ने मुख खोला। उपदेश देने के लिए राजा रघुगढ़ को तत्व ज्ञान समझाने के लिए, ज्ञान के द्वारा अहंकार को खत्म किया राजा रघुगढ़ के।
और तत्पश्चात राजा रघुगढ़ चले गए और भरत जी की मुक्ति हुई उस योनि से। ठाकुर जी के धाम में गए जो परम इच्छा थी। परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि कोई अपनी गलती सुधार लेता है तो ठाकुर जी उसे क्षमा कर देते हैं। जब भी उसे पश्चाताप होता है, जब वो अपने आप को सुधारना चाहता है, ठाकुर जी उसे क्षमा प्रदान कर ही देते हैं। अतिशय पापी भी यदि भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, अपना बना लेते हैं उसे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया भागवत महापुराण में। 28 प्रकार के नरक बताए गए, 64 प्रकार की कलाएं बताई गई, 33 प्रकार के पाप बताए गए। पाप कौन कौन से होते हैं? झूठ बोलना भी पाप होता है, किसी को गाली देना भी पाप होता है, मारना भी पाप होता है। मंदिर में हम कई बार जाते हैं ना, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रकार का पाप होता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कभी भी उतरते वक्त पीछे की तरफ से उतरना चाहिए, और जब मंदिर की सीढ़ी से नीचे आ जाएं तब व्यक्ति को मुड़ना चाहिए। मंदिर में यदि पहुंचे ठाकुर जी के दरबार में, वहां अपने से बड़ा कोई दिख गया उसको प्रणाम करते हैं तो वो भी एक प्रकार का पाप होता है। ठाकुर जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं किया जाता। और एक बात और बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। प्रथम दिन मैंने विजय भैया से भी इस बात को कहा था और आप सभी लोगों से कहती हूँ, अपनी श्रद्धा है मन में, अच्छी बात है, लेकिन संत कौन होगा? संत वो है जिसको ठाकुर जी के जयकारे से प्रसन्नता होती है। संत कभी भी ये नहीं चाहता कि लोग मेरी जयकार लगाएं। संत ये चाहता है कि लोग हमारे बांके बिहारी लाल की जय बोले। वो कोई भी संत आए आपके गांव में, मैं नहीं कहती संत का अपमान, वो तो सम्मान करना है, संत भगवान के बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का जयकारा मत लगाइए, ठाकुर जी का लगाइए, बार बार लगाइए, सिर्फ ठाकुर जी का लगाइए। मैं बहुत भीड़ में थी प्रथम दिन, मैं आप लोगों से कह नहीं पा रही थी, किसको समझाने जाती, लेकिन मुझे अतिशय कष्ट हो रहा था। जितनी बार आप लोग जयकारा लगाए उतनी बार मेरे मन में दुख हुआ, मुझे शर्म आ रही थी। इंसान की क्या औकात है, तुच्छ मानव। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि ठाकुर जी अपनी कृपा बना दिए हैं और दो शब्द नाम लेने आ गया, वरना कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी की बराबरी नहीं कर सकता। संत हैं तो भी मनुष्य ही हैं, कोई भी हो संसार में। हाँ, जिसने ईश्वर का दर्शन किया, जिन्होंने ऐसे पुराणों की रचना कर दी जिनके माध्यम से आज तक एक नहीं अरबों लोग तर गए, जैसे वेद व्यास जी महाराज हुए, तुलसीदास जी हुए, उनका जयकारा लगवाइए। किसी भी संत के बारे में मैं ऐसा नहीं कहती कि आप लोग जयकारा न लगवाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमारे बांके बिहारी लाल की जय। बस जो है सर्वस्व हमारे गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, इनके आगे संसार में किसी को कुछ मत समझना। ये एक प्रकार का पाप होता है कि बांके बिहारी लाल जी को बैठा लिया और उनके सामने किसी मनुष्य का जयकारा लगवाने लगे। मैं नहीं कहती, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, इसको जान जाइए।
अगली बार से कभी भी जयकारा लगवाना हो तो हमारे ठाकुर जी का लगना चाहिए। ये सारे पाप बताए, नरकों का वर्णन बताया, कौन कौन सा पाप करता है व्यक्ति तो किस किस नरक में जाता है। हम विचार कर, आप लोग सोचते होंगे ना, चींटियां मर जाती होंगी पैर उतले तो इसकी सजा थोड़े मिलेगी। अरे चींटियों को मारने की भी सजा मिलती है, खटमल को मारने की भी सजा मिलती है, और तो और यहाँ तक लिखा बाल में जो जुए होते हैं उनको भी निकाल के मार लो तो उसकी भी सजा मिलती है। मालूम है कौन सी सजा मिलती है? भगवान के वहां जब हम जाते हैं ना तो खटमल चींटी इनका एक कुआं बनाया जाता है, उस कुएं में सिर्फ वही निवास करते हैं और मनुष्य को उसी कुएं में हजारों वर्षों तक छोड़ दिया जाता है, काटते रहते हैं हजारों वर्षों तक। क्यों? आप सोचते होंगे वो काटते हैं तो हमको मारना नहीं चाहिए। नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है दया करना। मनुष्य में समझने की शक्ति होती है, दूर हटाने की ताकत होती है, पशुओं में नहीं होता। जैसे एक बार एक संत बैठे हुए थे नदी के किनारे, काफी लोग वहां बैठे हुए थे, बहुत से लोग संत को देख रहे थे कि संत क्या कर रहे हैं। पानी में एक बिच्छू था। अब बिच्छू का जगह पानी तो है नहीं, वो तो जंगल झाड़ी में रहता है। संत ने जब देखा बिच्छू को पानी में तो विचार करने लगे, पानी का जीव है नहीं, इसका कहीं वध ना हो जाए, मर ना जाइए। उस बिच्छू को निकाला संत ने, जब पहली बार निकाला तो हाथ पे डंक मार दिया बिच्छू ने और पुनः पानी में चला गया। पुनः संत उसको निकाले, पुनः वो पानी में चला गया, फिर निकाले, फिर डंक मार के पानी में चला गया। ऐसे करते करते 100 से ऊपर हो गया, 100 बार से ज्यादा डंक मार दिया बिच्छू ने संत को। फिर भी संत बार बार उसको निकाल रहे थे। लोग आए संत को, कहा कि आप कितने मूर्ख हैं, क्यों इतनी मूर्खता कर रहे हैं, वो बिच्छू आपको हम लोग देख रहे हैं तभी से डंक मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आप अपने हाथ को झटकार भी रहे हैं उसके डंक से, लेकिन पुनः उसको निकाल रहे हैं, उसको क्यों बचाना चाहते हैं जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है। संत ने बड़ी अच्छी बात कही। संत ने कहा बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। संत ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है, और संत का स्वभाव क्या होता है? दया करना, बचाना। संत ने कहा जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है। सोचने समझने की शक्ति मनुष्य में होती है, इन पापों की भी सजा मिल जाती है। इसलिए कभी हाथ से किसी का वध मत कीजिए, अपने जुबान से किसी का तिरस्कार मत कीजिए, गाली मत दीजिए, किसी को अपमानित मत कीजिए, किसी के दिल को मत दुखाइए, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाइए। परीक्षित जी कहते हैं कि क्या अतिशय पापी कोई हो तो उसका उद्धार हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं अवश्य हो सकता है। अजामिल की कथा सुनाते, कहते हैं वो तो अतिशय पापी था,